नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, श्रमिक प्लस टू हाई स्कूल तोपापिंडरा, लॉकडाउन की पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग तत्वों का वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के उपरांत वर्ग में तत्वों के गुण और धर्म किस तरह से चेंज होंगे उसको देखने वाले हैं। ठीक है, इस कोरोना काल में क्लास 11th के सिलेबस को कम किया गया है, कुछ पोर्शंस को हटाया गया है और नया सिलेबस दिया गया है। नया सिलेबस के अनुसार जो इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ। तो आज हम लोग मॉडर्न पीरियडिक लॉ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम बताया है, तत्वों का वर्गीकरण करना है इस चैप्टर में। तो तत्वों का वर्गीकरण कई वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिश किया गया था, जिसमें सबसे पहले नाम आता है डोवेराइनर का। डोवेराइनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाया था, जिन्हें हम डोवेराइनर का ट्राइड्स कहते हैं, डोवेराइनर ट्राइड्स कहते हैं, जिनका आधार था तत्वों का एटॉमिक मास। उन्होंने तीन तीन तत्वों का ऐसा समूह बनाया था कि दो तत्वों के मास का एवरेज निकालने पर, एटॉमिक मास का एवरेज निकालने पर, तीसरे तत्व के एटॉमिक मास के लगभग बराबर होता था। लेकिन उनका यह नियम ज़्यादा तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाया। फिर न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया, जो क्लास 19th में आप लोगों ने न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने आठ आठ तत्वों का ग्रुप बनाया है ना। और उन्होंने ग्रुप बनाने के लिए आधार क्या लिया था, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, जिसमें उन्होंने पाया कि प्रत्येक नवा तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण पहले तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण से मिलता जुलता है। लेकिन फिर उन्होंने मुश्किल से 20 या 25 के आसपास के तत्वों का ही वर्गीकरण कर पाए और फिर उनका नियम फेल हो गया। फिर मेंडलिफ साहब ने अपना नियम दिया, जो कि उनका आधार था तत्वों का एटॉमिक मास। उन्होंने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के एटॉमिक मास के बदलने पर बदलता है, यानी कि उनके तत्वों का वर्गीकरण का आधार था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, जिसे हम लोग मेंडलिफ का आवर्त सारणी कहते हैं, है ना, मेंडलिफ का आवर्त सारणी, जिसमें उन्होंने उस समय जितने भी तत्व खोजे गए थे उन सभी का लगभग लगभग वर्गीकरण कर दिया था। और इस मेंडलिफ आवर्त सारणी की सबसे बड़ी खासियत थी कि जो तत्व नहीं खोजा गया था उसके लिए भी उन्होंने आवर्त सारणी में जगह छोड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी मेंडलिफ के आवर्त सारणी में कुछ अवगुण पाए गए, कुछ डिमेरिट्स पाए गए, जैसे कि उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए स्थान निर्धारित नहीं कर पाए थे, हाइड्रोजन तत्व के लिए पीरियडिक टेबल में एक उचित स्थान नहीं दे पाए थे, और उन्होंने समस्थानिकों का चर्चा नहीं किया था। जैसा कि अभी हमने कहा कि मेंडलिफ ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, जिसका आधार था एटॉमिक मास और समस्थानिकों का एटॉमिक मास अलग अलग होता है, अर्थात कि मेंडलिफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का भी अलग अलग स्थान होना चाहिए। इसी डिमेरिट को, इसी अवगुण को दूर करने के लिए मॉजली साहब ने दिया था मॉडर्न पीरियडिक लॉ, जिसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग मॉडर्न पीरियडिक लॉ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मॉजली साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कुछ रिजल्ट्स थे। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस पर टकराया था, जिससे कि एक्सरेज उत्पन्न होती है। उन अलग अलग तत्वों से अलग अलग एक्सरेज जो उत्पन्न हुई, उनकी फ्रीक्वेंसी को तत्वों के न्यूक्लियर चार्ज के चार्ज को लेकर उन्होंने देखा और पाया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है। उनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मोजली प्रूव्ड दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज व्हिच आर ऑब्टेंड फ्रॉम द मेटल ऑन शावरिंग ऑफ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स
is proportional to the nuclear charge of the atom. This can be represented by the following expression. इसको इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं, जहां पर देख सकते हैं स्क्वायर रूट लिया है फ्रीक्वेंसी का सिंबल पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे, क्या है न्यू, ठीक है, न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं. तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ न्यू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड का. जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज. ए एंड बी यहाँ पर कांस्टेंट है. और आप लोगों को पता है किसी भी तत्व का न्यूक्लियर चार्ज प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है, और जो प्रोटोनों की संख्या होती है वही उस तत्व का एटॉमिक नंबर होता है. यानी हम लोग कह सकते हैं कि मोजली ने बताया कि तत्वों का वर्गीकरण के लिए एटॉमिक नंबर सबसे उचित आधार हो सकता है. यानी कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके एटॉमिक नंबर के बदलने पर बदलते हैं, और यही हमारा मॉडर्न पीरियडिक लॉ कहलाता है. मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो इसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल जनरेट होता है. यह हमारा है मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिसे कि हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल भी कहते हैं. और इस पीरियडिक टेबल में दो तरह के कहेंगे कि रोज और कॉलम्स होते हैं, जिसमें रोज को कहते हैं हम लोग पीरियड्स एंड कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स. ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है कि हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको कि मेंडलिव ने सीरीज कह रहा था, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे. एंड वर्टिकल कॉलम्स ऑफ मेंडलिव पीरियडिक टेबल, सॉरी, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. तो हमें ग्रुप्स और पीरियड्स दिखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में. ठीक है, ये हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है. तो जैसा कि अभी हमने ग्रुप्स और पीरियड्स की चर्चा किया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें से पीरियड्स कौन है और ग्रुप्स कौन है. क्लास टेंथ में या नाइन्थ में आप लोग पढ़े होंगे आवर्त और समूह. आवर्त को ही पीरियड्स कहते हैं और समूह को ग्रुप कहते हैं. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइने हैं हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं, इनको हम लोग आवर्त कहते हैं. यहाँ पर कुल कितने आवर्त हैं, नंबरिंग को आप देख सकते हैं, एक से लेके 7 तक हैं. ये सभी हमारे आवर्त हो गए. और समूह कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, ग्रुप किसको कहते हैं, ये हमारा ग्रुप है. वर्टिकल कॉलम्स आप देख सकते हैं 1 से लेकर 18 तक है. यानी कुल हमारे पास 7 आवर्त है और 18 समूह है. यानी 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं. इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है, देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल. अब चलिए हम लोग इन पीरियड्स और ग्रुप्स को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. तो अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, यानी पीरियड्स के बारे में थोड़ी और चर्चा हम लोग करेंगे. पीरियड्स क्या है, पीरियड्स कहेंगे हॉरिजॉन्टल रोज जिसमें कि तत्वों को रखा गया है. ठीक है, तो इन तत्वों के कुछ गुणधर्म हैं, कौन से गुणधर्म हैं और उनमें क्या परिवर्तन होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहला बात इसमें हम लोग करने वाले हैं कि जैसे ही किसी पीरियड्स में हम लोग दाएं से बाएं जाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस सेम सेल में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं. ठीक है, यानी कक्षा हम लोगों ने देखा था जब बोर्स मॉडल की जब हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, तो वहाँ हमने देखा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी ऑर्बिट होते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं. तो क्या कहता है कि यदि हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो उस पीरियड के जितने भी तत्व हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में इंटर करें, सेम ऑर्बिट में एंटर करेंगे. यहां ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग है, हमने चर्चा कर चुका है लास्ट वीडियो में. अलग ऑर्बिटल जरूर हो सकता है लेकिन ऑर्बिट सेम होगा, तभी वह सेम पीरियड में आएगा. ठीक है, अब अगला हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. अगला कहता है एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी कि जब पीरियड में हम बायां से दायां जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज घटेगा. जैसे यहां पर बात करेंगे, यदि आपसे पूछा जाए लिथियम का साइज बड़ा है या नियॉन का,
तो ऑब्वियसली यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब दाया से बाया एक पीरियड में जाएंगे, सॉरी बाया से दाया एक पीरियड में जाएंगे तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो देखिए यहाँ पर लिथियम आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में है, सबसे बाया है, जबकि नियॉन सबसे दाया है। इसका मतलब है कि नियॉन, हालांकि ये जो 18 ग्रुप है यह एक्सेप्शन होता है, इस यह पीरियडिक टेबल के जो नियम्स हैं उन इनमें लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें फ्लोरीन को कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि लिथियम बड़ा है या फ्लोरीन, तो ऑब्वियसली लिथियम बड़ा होगा क्योंकि इसी ग्रुप में सबसे बाएं में लिथियम है जबकि दाएं में फ्लोरीन है। ठीक है, ये जो 18 ग्रुप होता है इसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस यानी इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बाकी तत्वों के प्रॉपर्टीज के आधार पर नहीं होता है, इनका एकदम ही अलग प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसे हम अलग रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें देख रहे होंगे ये है हमारा नोबल गैसेस का ग्रुप। तो चलिए ये हम लोगों ने पीरियड्स को समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं ग्रुप्स के बारे में चर्चा करने। तो ये हम आप लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। तो जैसे कि पीरियड्स में हमने देखा दाएं से बाएं से दाएं जा रहे हैं तो साइज घट रहा है, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में सेम सेल में जा रहा है। उसी तरह से ग्रुप्स में भी हम लोग देखेंगे कि एक ग्रुप में एक ग्रुप का जो एलिमेंट होते हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में जाता है। जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे, नीचे एग्जांपल लेके देखेंगे, जब पीरियडिक टेबल को देखेंगे कि मान लीजिए पहला ग्रुप का पहला तत्व की बात करेंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसके नीचे का एलिमेंट जो होगा उसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा, उसके नीचे का भी एस ऑर्बिटल में जाएगा, यानी कि सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरली सेम होगा, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा। तो यह पहला कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कहेंगे कि ये जो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं एक दूसरे से कितना अलग है एटॉमिक नंबर के आधार पर, तो दोनों के बीच का गैप अलग अलग होता है। जैसे पहले दो ग्रुप के पहले दो तत्वों के बीच का गैप की बात करेंगे तो वह दो है, फिर आठ है, फिर आठ है, फिर अठारह है, फिर अठारह है, फिर 32 है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप में सॉरी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा ही, क्यों, चूंकि एक एडिशनल कक्षा जुड़ता जाएगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एक शेल बढ़ता जाएगा, एक ऑर्बिट बढ़ता जाएगा। जैसे अगला देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच ग्रुप हैव जनरली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप जानते ही हैं मॉडर्न पीरियडिक लॉ भी यही कहता है कि भौतिक और रासायनिक गुण एक ग्रुप के सभी तत्वों का नियरली सेम होगा, तो उसके केमिकल फॉर्मूला भी नियरली सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी नियरली सेम होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप्स को समझ लिए हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।